जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई हूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। और अभी हम यहाँ पे राजा को दूध पीने के लिए छोड़ा है और अभी सुबह के 6:30 बजे है, लेकिन अभी लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है क्योंकि अभी सूरज बहुत ऊपर आ गया है। और अभी इसको दूध पिलाने के बाद हम दूध निकाल लेते हैं। अभी बहुत अच्छे से राजा ने चारों ओर से दूध पी लिया है और अभी उसको साइड में बांध देते हैं। लेकिन इतना दूध पीने के बावजूद भी उसका मन नहीं भरा और देखो कैसे नखरे करता है इधर आने में। और अभी उसको बांधने के बाद अभी अच्छे से धो लेते हैं पानी से और फिर मिल्किंग करते हैं। और आप अभी रियल मिल्किंग की साउंड सुनो। और जब मिल्किंग करते हैं तो हमारे सोनू मोनू देखो कैसे वेट करते हैं कि कब मिल्किंग ख़त्म हो और कब उनको दूध मिले। और ऐसे पास आते हैं जैसे कि अभी यही वक्त से उनको दूध पीना है। और राजा भी देखो कैसे झटपटा रहा है, कितने सारे अपने और हमारे घर के बच्चे कृष्णा और आदिति माओ भी वेट करते सुबह की पहली जब जागते हैं तो उनको भी गर्मा गर्म दूध पीना होता है और घर के बड़ों को भी चाय पीनी होती है। तो इतने सारे काम ये सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले दूध से ही शुरू होते हैं। तो इसके लिए फटाफट से हर घर में दूध आता है, तो हमारे घर में यही से दूध आता है। और अब फटाफट से मिल्किंग ख़त्म करेंगे और सोनू मोनू को दूध पिलाएंगे और उसके बाद बाकी के काम भी स्टार्ट करने हैं क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है। और अभी फटाफट से निपटाते हैं और देखो कैसे आ गए सोनू मोनू पीछे। अभी उसको पतीले में लेके मैंने उनके बर्तन में डाल दिया और अभी बहुत मज़े से पियेंगे। और ये उनका दूसरा टाइम है क्योंकि जब ये आंखें खोलते हैं हम लोग तो तभी हमारे पीछे पीछे दौड़ना शुरू होते, और जब तक हम इनको दूध नहीं देते हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पैरों के बीच में आते हैं।
तो अभी उसका तभी पिलाए और अभी भी, तो अभी उनको दूध पीने देते हैं। और अभी हमारा आंगन वैसे ही पड़ा है, उसे उसकी साफ सफाई कर लेते हैं फटाफट से। और इसे अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर हम गोबर और पानी मिला के छिड़कते हैं, और इसे बहुत अच्छा सैनिटाइजर हो जाता है आंगन, वो भी बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से। और अभी हमारे यहाँ पे घर के अंदर तो फर्श लगा है, लेकिन अभी आंगन बचा है जहाँ पर हम ये डालते हैं। क्योंकि पहले तो हमारे मेरी दादी के टाइम तो हमारा घर भी गोबर से ही क्या बोलते उसे लिपाते थे अच्छे से, क्योंकि वहाँ हमने फर्श नहीं लगाए हुए थे घर में, तो इसी वजह से इसी से करते थे। तो बहुत सुंदर लगता था घर भी। और बोलते हैं कि जहाँ पे भगवान की पूजा होती है तो उसको भी गोबर से लिपाते हैं, ताकि वो बहुत अच्छा होता है, शुभ शगुन माना जाता है। कोई मंगलमय कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, तो उसमें भी यही करते हैं। तो हम लोग भी आंगन में गोबर और पानी दोनों साथ मिला के छिड़कते हैं, इससे बहुत अच्छा सैनिटाइजर हो जाता है आंगन। तो उसके लिए गोबर चाहिए मुझे, तो अभी गोबर हमने यहाँ से ले लेते हैं गाय और बैल का इधर। लेकिन आपको पता है सबसे अच्छा बढ़िया गोबर कौन सा होता है, जो घर में या आंगन में लिपाने के लिए जो जानवर हरा चारा खाते हैं तो उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी तो समर है ना, तो थोड़ी मक्का खिलाते हैं इनको हरी और बस। लेकिन जब हरा चारा खाते हैं ना तो बहुत अच्छा गोबर होता है वो लिपाने के लिए, और वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन अभी जो मिलता है वही सही है, क्योंकि ना होने से अच्छा तो कुछ तो है। चलो, और जो एक्स्ट्रा का था इधर उधर मैंने फेंक दिया है खेत में, और अभी जो बढ़िया है वो ले लिया। और अभी चलते हैं घर की ओर और फटाफट से। अभी सूरज भी बहुत ऊपर आ चुका है, क्योंकि अभी खेतों के काम शुरू नहीं हुए, और बहुत मॉर्निंग में हम लेते हैं वीडियो तो, लेकिन तब है ना तो ये अच्छे दिखते नहीं है, ब्लर आती है शूटिंग। इसी वजह से जब जिस दिन शूटिंग लेना होता है थोड़ा लेट ले लेते हैं। और अभी देखो यहाँ पे सोनू मोनू खेल रहे, दूध पी के मस्ती करते हैं बस दिन भर, इधर से उधर इधर से उधर। अभी उन दोनों को खेलने में बिजी छोड़ दे और अभी हमारा काम निपटा लेते हैं हम लोग। और अभी जो गोबर ला है उसमें हम पानी डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम जानवर के लिए पानी भर के रखते हैं, तो उसी में से हाउस से पानी लेते हैं। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें भी कोई गुठलियाँ लंग्स नहीं रहने देंगे, क्योंकि पतला पतला बनाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मैं और जो कचरा हो रहा है उसे हटा देती हूँ, ताकि हमारे आंगन में कचरा नहीं, बस गोबर से छिड़का गया ये सैनिटाइजर हो, एकदम प्योर सैनिटाइजर है ये। और हमारे बुजुर्ग कितने ज्ञानी थे ना, हम लोग तो कोरोना आया तब से ही सैनिटाइजर करने लगे हर चीज़ को, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग घर को आंगन को शुरू से सैनिटाइजर करते थे। जिनके घर मिट्टी के होते हैं, मच्छर और पट्टी से बने हुए, वो तो रोज़ाना इसी से लिपाते हैं, ताकि वो बिल्कुल स्वच्छ रहे, तो कोई रोग जंतु भी नहीं आता है फिर। और अभी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, क्योंकि इधर से गाड़ी खड़ी है भाई की और इधर से मेरी धन्नो खड़ी है, तो दोनों के बीच में से हम बिल्कुल उनको गंदा ना किए हुए अभी धीरे धीरे से डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद इसे सूखने देते हैं, 5-10 मिनट के बाद ये सूख जाता है, क्योंकि ये मिट्टी पे होता है तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसको थोड़ा सूखने देने के बाद इस पे रंगोली डालो, तो इतनी बढ़िया लगती है। आप सिंपल सी रंगोली डालो फिर भी बहुत सुंदर लगती है, और फिर ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। और मेरे गांव में हर आंगन में इसी तरह से मॉर्निंग में होता है सब कुछ,
आज मैं वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग बहुत सिंपल से हैं और सिंपल सिंपल चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बस इसी तरह से हम चलते हुए दुनिया के साथ कदम भी मिलाते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग ने हम लोगों को बताया हुआ है सिर्फ उसे भी नहीं छोड़ते हम, और इसीलिए हम ऐसे हैं। तो अभी जहाँ पे अदा हुआ तो उसे हाथों से पूजे, क्योंकि ये आंगन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है इसे डालते डालते, और अभी बहुत बढ़िया से हमने ना ही इस गाड़ी को ख़राब किया है ना ही इस गाड़ी को, फिर भी हमारा आंगन बहुत सुंदर लग रहा है अभी। और इसे हटाओ फिर डालो, वो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, इसीलिए मैंने आज बिल्कुल धीरे धीरे से कर दिया सब कुछ। अभी बाल्टी को अच्छे से धो लेते हैं, और मेरी आई भी बेटी थी यहाँ पे कि अभी ये, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आंगन में बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि सुबह का माहौल ही इतना बढ़िया होता है कि बहुत सुकून मिलता है। और चिड़ियों की किलबिलाहट सुनाई देती, जब तक आंगन सूखता है तब तक हम लोग, मैं ब्रश कर लेती हूँ, और यहाँ पे हम लोग ब्रश एक जगह पे बैठ, मैं तो ऐसे भी बैठ नहीं सकती एक जगह पे, तो फिर घूमते रहते इधर से उधर कुछ ना कुछ काम करते हुए। और अभी हम यहाँ पर से वहाँ से वहाँ टहल कर ब्रश कर रहे थे, और फिर मुझे सोनू मोनू की मस्ती फिर से नज़र आई, तो उनकी और मैं फिर चलने लगी, क्योंकि उनको और हमको एक साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है, घर में हो या चाहे आंगन में। और देखो यहाँ पर अभी भी खेल रहे हो, और इनको ना हमारी बातें भी समझ में आती है बहुत अच्छे से, तो हम लोग इनसे बातें भी करते हैं, और अभी तो हम कर रहे इसलिए इनसे बात नहीं की, लेकिन उसको समझ में आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो और दूसरा मोनू भी आ गया उधर से, तो दोनों और भाग गया, और अभी हम फटाफट से ब्रश डालकर, वो आंगन अभी सूख गया होगा तो उसको अच्छे से रंगोली डालेंगे वहाँ पर, और अभी आंगन भी सूख गया है, और यहाँ पे हम आंगन डाल रंगोली डालते हैं आंगन में। तो सबसे पहले ये गाय के जो पाँव के निशान होते हैं उसे बनाते हैं दोनों ओर से, और ये इसी तरह से रंगोली सबसे पहले डाली जाती है। और फिर मुझे रंगोली बहुत बढ़िया तो नहीं आती बस, लेकिन दिल को अच्छी लगे बस इतनी छोटी सी आती है, तो वही निकाल रही हूँ मैं फटाफट से। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी मैंने फटाफट से रंगोली डाल दी है, अभी इसमें कलर भरेंगे हम बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे मेरी दादी बोलती थी कि जिसमें जिस रंगोली में हम कलर भरते हैं तो उसी तरह से भगवान भी हमारे लाइफ में कलर भरते हैं, ताकि हमारी लाइफ बहुत सुंदर सी बनाते हैं यानी कि। तो इसे रंगोली पूरा करने के बाद इसमें कलर भी मैं डाल देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी है और बहुत लेट भी हो चुका है। तो यदि आज का वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और आप आपके आंगन में घर में कैसे करते हो यह हम लोगों को भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, और अभी इसके बाद हम घर जाके नहा धो के फिर खाना बनाते हैं। तो ये सब अभी मेरा बाहर का काम आंगन का ख़त्म हो चुका है, अभी मुझे घर पे जाना है घर में। तो अभी हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।